नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पेपर नंबर 3 ग्रुप 1 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की डिटेल्ड चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी, ताकि आप एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में आराम से एग्जामिनेशन ला पाओ। उसके लिए अपन क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ऑडिट की सीए फाइनल की न्यू एंड ओल्ड कोर्स के लिए स्ट्रेटेजी। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके न्यू कोर्स या ओल्ड कोर्स दोनों कोर्स में अराउंड 35 मार्क्स का वेटेज है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी वाला, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला, और चैप्टर नंबर 5 ओल्ड कोर्स में, न्यू में नहीं ओल्ड कोर्स में है स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स वाला। तो इन चारों चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है ऐसे, बाकी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 ये भी ऐसे रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 में 50% ऐसे है, 50% अदर मटेरियल है। इन चैप्टर्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, मतलब ऐसे की तैयारी आपको कैसे करनी है, ऐसे में मैंने नोट्स बना रखे हैं जिससे मैंने पढ़ाई की थी, जिससे मेरे भाई ने पढ़ाई की थी और जिससे मेरे 83 मार्क्स आए थे जिन नोट्स की बदौलत। वो नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से बनाए हुए नोट्स हैं, अराउंड 40 पेजेस के हैं, वैसे 50 पेजेस के हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसमें से हट चुके हैं वो आप इग्नोर कर देना, बाकी जो आपके कोर्स में है वो आप पढ़ लेना। अराउंड 40 पेजेस के नोट्स हैं, पहले उनको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, नई कीवर्ड्स याद कर लेना या उनको याद कर लेना। उसके बाद जो चैप्टर 1 है प्रैक्टिस मैनुअल का चैप्टर 1, ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मैनुअल, न्यू वाले भी ओल्ड वाले यूज करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल, उसमें जो चैप्टर 1 है ऐसे का, उसके आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक बार रीड करने हैं। उन नोट से वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको बस एक बार देखना है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, किस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आता है। तो आपको चैप्टर 1 को पूरा एक बार रीड करना है, बस वो क्वेश्चन सारे आपके सोल्व हो जाएंगे। दूसरा, आपको ऐसे में नाम याद करने पड़ेंगे, आपको नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में नाम का एक नंबर होता है। तो ये आपका ऐसे हुआ 35 मार्क्स का। अब आते हैं अपन नीचे दूसरे पोर्शन पे, प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट एंड कारो, प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट एंड कारो, ये अपना दूसरा पार्ट आ गया। पार्ट ए ऐसे हो चुका, पार्ट बी आ गया अपना प्रोफेशनल एथिक्स कंपनी ऑडिट एंड कारो। इसका वेटेज है 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का वेटेज है प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट एंड कारो, इन तीनों चीजों का मिला के वेटेज है 25 मार्क्स का। इसमें आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल पढ़ना है या तो, या आपने जो सेल्फ नोट्स बना रखे हैं या किसी दूसरे का जो रेफर करते हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास स्टडी मटेरियल पढ़ने का, तो आप सेल्फ नोट्स पढ़ सकते हो, नहीं तो स्टडी मटेरियल पढ़ना, स्टडी मटेरियल बेस्ट है। उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन कर लेना तीनों चैप्टर के, प्रोफेशनल एथिक्स कंपनी ऑडिट एंड कारो के प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन कर लेना। कंपनी ऑडिट के चैप्टर में एएस के क्वेश्चन भी दे रखे हैं प्रैक्टिस मैनुअल में, वो आपको इग्नोर करने, कंपनी ऑडिट में एएस वाले क्वेश्चन आपको इग्नोर करने प्रैक्टिस मैनुअल के। इसके बाद आते हैं अपन, इसमें एक चीज और है, आपको प्रोफेशनल एथिक्स में सारे क्लोज लर्न करने पड़ेंगे, शेड्यूल वगैरह लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका नंबर होता है प्रोफेशनल एथिक्स में। कंपनी में चाहे सेक्शन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंपनी में सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, वही कारों में आपको क्लोज याद हो या ना हो, 16 क्लोज है उसमें याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स के आपको शेड्यूल पूरे के पूरे क्लोज वगैरह सब याद होने चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स में। इसके बाद आते हैं अपन तीसरा पार्ट, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस, इसके अंदर है टैक्स ऑडिट एंड जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट एंड जीएसटी ऑडिट इसके अंदर है। इसका वेटेज अराउंड 10 मार्क्स का होता है, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, टैक्स ऑडिट एंड जीएसटी ऑडिट 10 मार्क्स का वेटेज होता है। इसमें आपको क्या करना है, या तो आपने कोई नोट्स बना रखे हो वो पढ़ लेना, अगर नोट्स नहीं बना रखे तो मेरे पास ही नोट्स है लेकिन वो 30 पेज अराउंड 30-40 पेज के हैं, वो मेरे को स्कैन करके देने पड़ेंगे, तो या तो अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, इनका जो आपकी टैक्स ऑडिट है उसमें सारे क्लोज देख सकते हो, एक बार रीडिंग लगा लेना, आपको क्लोज नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से अगर आपने टैक्स ऑडिट कर रखी है प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपके आराम से वो एक बार समझ में आ जाएंगे, एक बार याद हो जाएंगे आपको आराम से। बाकी जीएसटी ऑडिट के लिए अमेंडमेंट आए थे काफी सारे, आरटीपी में वो आपको मिल जाएंगे, वो देख लेना जीएसटी ऑडिट के लिए, प्लस प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन कर लेना, ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन कर लेना टैक्स ऑडिट एंड जीएसटी ऑडिट के। जीएसटी ऑडिट के तो आपके क्वेश्चन खाली आरटीपी में मिलेंगे, बाकी जगह मिलेंगे नहीं आपको। अब आते हैं अपन कैटेगरी ए स्मॉल चैप्टर्स, इन चीजों के अलावा ऑडिट में अराउंड 15-16 स्मॉल चैप्टर्स हैं, 14-15 या 15-16 स्मॉल चैप्टर्स हैं, उसमें आपको क्या करना है। तो कैटेगरी ए मैंने कुछ चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जिनका वेटेज कैटेगरी ए मतलब अच्छा वेटेज रहता है, अराउंड 40 मार्क्स का वेटेज है 8 चैप्टर्स का, इन 8 चैप्टर्स का वेटेज अराउंड 40 मार्क्स का। इसके बाद 4-5 चैप्टर बच जाते हैं, लेकिन मेनली जो चैप्टर है 8 चैप्टर इनका वेटेज अराउंड 40 मार्क्स का है। इनके लिए मैंने क्या किया, इन 8 चैप्टर के लिए, 8 चैप्टर कौन कौन से, सबसे पहले तो बता देता हूं मैं आपको, एक तो है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा ऑडिट ऑफ सीएफएस, तीसरा है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, चौथा है ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पांचवा है ऑडिट ऑफ बैंक्स, छठा है इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस,
सातवां है पीयर रिव्यू और आठवां है लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। इन आठ चैप्टर में से मेनली क्वेश्चन आते हैं अराउंड 40 मार्क्स के। तो इन आठ चैप्टर में मैंने क्या किया, जो मैंने नोट्स बना रखे थे जिससे मैंने स्टडी करी थी, मैंने नोट्स ओनली स्टडी मटेरियल से बनाए थे, मतलब स्टडी मटेरियल के कीवर्ड्स को कवर करके बनाए थे और उन्हीं नोट से मैंने लास्ट तक स्टडी करी थी और मेरे उसी के कारण 83 मार्क्स आए थे। ऐसे मेरे भाई ने भी उन्हीं से करी थी, उसके भी ऑडिट में 75 मार्क्स आए। तो आपको वो नोट्स मैंने स्कैन करके, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिए, मैंने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे उनको मैंने स्कैन करके डाल दिया है इन आठ चैप्टर के। इन आठ चैप्टर के खाली आप वो नोट्स पढ़ लेना, वो नोट्स काफी छोटे भी हैं, अराउंड हर चैप्टर पांच या छह पेज में, कोई छह पेज में, कोई सात पेज में कवर है, कोई आठ पेज में कवर है। तो उन नोट्स को पढ़ लेना सबसे पहले इन आठ चैप्टर में, उससे आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा इन आठ चैप्टर में। इसके बाद बच जाते हैं कुछ चैप्टर्स और, कुछ चैप्टर्स जैसे इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर बच जाता है, एक ऑडिट ऑफ सीआईएस बच जाता है, एक इंटरनल ऑडिट बच जाता है, एक ऑडिट ऑफ सीआईएस बच जाता है कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर एनवायरमेंट ऑडिट कैसे करोगे, एक बच जाता है आपका, एक चैप्टर आपका इंश्योरेंस ऑडिट बच जाता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओल्ड कोर्स में बच जाता है। तीन चार चैप्टर ऐसे बच जाते हैं जिनका वेटेज इतना ज्यादा है नहीं, इन सबका बाकी जो चैप्टर्स है उनका वेटेज अराउंड मिला के 8 से 10 नंबर का है, 8 से 10 नंबर का उन चैप्टर्स का वेटेज है। उन 8 से 10 नंबर के उन चैप्टर्स में आपको क्या करना है, उनके मेरे नोट्स तो बने हुए हैं लेकिन अगर मैं वो भी दे देता तो आपकी ज्यादा दिक्कत आ जाती, क्योंकि वो काफी ज्यादा नोट्स हो जाते फिर आपकी दिक्कत आ जाती। उन नोट्स में आप स्टडी मटेरियल से खाली कीवर्ड याद कर लेना, हेडिंग एंड कीवर्ड्स याद कर लेना, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा होता नहीं है। मेनली इन चैप्टर्स का वेटेज होता है क्योंकि आपका पेपर आता है अराउंड 118 मार्क्स का, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और 84 या 88 मार्क्स का आपका आता है सब्जेक्टिव, जिसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं एक स्किप बनने का। तो उसके अकॉर्डिंग वेटेज जो मेन चैप्टर्स है वो ये चैप्टर्स है, मेनली पेपर इनमें से आता है, बाकी तीन चार चैप्टर अगर उनके भी आपको नोट्स जरूरी है, आपको आगे के अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है तो आप मेरे से मांग लेना। बाकी लेकिन जो नवंबर 19 वाले हैं वो पहले इन पे फोकस करें, अगर ये कवर हो जाएं तो बाकी जो तीन चार चैप्टर बचे हुए हैं उन्हीं पे जाएं। तो आपको क्या क्या करना है, ऐसे में ओनली मेरे नोट्स, उसके बाद पीएम को एक बार रीडिंग लगा लेना चैप्टर 1 की। प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसे में आपके खुद के नोट्स प्लस पीएम ऐसे एएस के क्वेश्चन को छोड़ के पीएम देख लेना। फिस्कल लॉ के अंदर टैक्स एंड जीएसटी ऑडिट के अंदर आपको क्या देखना, पहले तो क्लोज देख लेना या आपके नोट्स बने हुए वो देख लेना, प्लस पीएम के क्वेश्चन देख लेना। बाकी जो आठ चैप्टर मैंने बताए स्मॉल चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा रहता है, ऑडिट कमेटी, सीएफएस, एनबीएफसी, पीएसयू, बैंक्स, इन्वेस्टिगेशन, पीयर रिव्यू और लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिट, इसके मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे, ऐसे के नोट्स भी उसी ग्रुप में मिल जाएंगे, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो खाली आप उनसे कवर कर लेना, उनसे आपका आराम से कवर हो जाएगा, आराम से आप इन चीजों को भी पढ़ लोगे सही से, आपकी कंफर्म एग्जम्पशन आ जाएगी, कंफर्म एग्जम्पशन। अब इसमें आपको ये नहीं लगाना कि आपको समझना वगैरह, क्योंकि अभी बस आपके पास टाइम कम है, आप ये नोट पढ़ो, ये देखो यहाँ पे ये पढ़ लिया क्वेश्चन देखा, ज्यादा आप दिमाग लगाओगे, ज्यादा अंदर तक जाना चाहोगे फिर आपकी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी टाइम कम है, आप एग्जाम ओरिएंटेड जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड पहला आपका टारगेट ये रखो कि पास होना है, फिर बाद में देखी जाएगी बाकी चीजें, बाकी ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी जो तीन चार चैप्टर अगर ये आपके कवर हो जाते हैं तो तीन चार चैप्टर जो बचे वो भी मैं नोट्स डाल दूंगा, उन नोट से कर लेना, या तो या आप एसएम में से आपकी हेडिंग से हेडिंग याद कर लेना, एसएम में से हेडिंग याद कर लेना। अब ऑडिट में एक एमसीक्यू, एमसीक्यू की दिक्कत रहती है सबको, एमसीक्यू कहां से पढ़े, काफी सारे एमसीक्यू आते हैं, काफी सारे ऑथर्स 5000 6000 7000 एमसीक्यू निकालते हैं। अब आपको एमसीक्यू कहां से पढ़ने, तो एमसीक्यू के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, किसी भी ऑथर की बुक नहीं खरीदनी, ओनली आईसीआई ने जो एमसीक्यू डाल रखे हैं, ओनली आईसीआई ने जो एमसीक्यू डाल रखे हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू आपको करने हैं, जितने भी एमसीक्यू आईसीआई ने डाल रखे हैं सारे के सारे एमसीक्यू आपको करने हैं, आईसीआई ने अपनी साइट पे डाल रखे हैं एमसीक्यू वो सारे के सारे करने हैं, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर वाले एमसीक्यू कर लेना बस। इसके अलावा किसी भी ऑथर की बुक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, एमसीक्यू आएंगे तो 5-7 एमसीक्यू तो यहां से आएंगे, बाकी जो मैंने ये मटेरियल बताया है इस मटेरियल से आएंगे, अगर आपने ये सही से पढ़ रखा है तो सारे के सारे एमसीक्यू आपके ठीक हो जाएंगे, सारे के सारे आराम से कर पाओगे आप एमसीक्यू। इसके बाद बताया एमसीक्यू के बाद इसमें आपको आरटीपी कौन सी करनी है, ऑडिट में आरटीपी ओनली करंट आरटीपी, आपको ओनली करंट आरटीपी करनी है, कोई पुरानी आरटीपी देखने की जरूरत नहीं है, इन नोट्स में सब चीजें कवर है, पुरानी आरटीपी एमटीपी सब चीजों के क्वेश्चंस कवर है, सब चीजें कवर है, आपको बस करंट आरटीपी और देखनी है, करंट आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स है वो देखने हैं, इसके अलावा कोई आरटीपी देखने की जरूरत है नहीं आपको। अब आप याद कैसे करोगे इन चीजों को, तो आप कम से कम 3 रिवीजन कर लोगे आपको ये टिप्स पे आ जाएंगे और आराम से आप एग्जाम में लिख पाओगे, और एग्जाम में ये आपके पास इतना कम मटेरियल है कि आप आराम से एग्जाम में जो 1.5 दिन मिलेगा उसमें आराम से रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि मेरे नोट्स हैं अराउंड 30-40 पेज के नोट्स होंगे,
30-40 पेज का आपका ऐसे हो गया, और ये पूरा मिला के भी 40-50 पेज का होगा, तो अराउंड 120-30 पेज आपको रिवाइज करने हैं एग्जाम में डेढ़ दिन में, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो अगर आपने इतना मटेरियल पे फोकस करा। बाकी जो 3-4 चैप्टर हैं वो आप बाद में देखना, पहले आप इस चीज पे फोकस करो। आप आराम से इसमें एग्जामिनेशन ला सकते हो रिट में, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको इन्हीं को करना है। प्लस आपको लिखना कैसे एग्जाम में, उसके लिए आपको ओनली जो चीजें हैं ऐसे में जरूर ऐसे का नंबर लिख देना, ऐसे का नंबर और नाम लिख देना, और आंसर को पॉइंट्स में देना, पैराग्राफ में आंसर मत देना। जो आपको आंसर अच्छा आता हो उसको पॉइंट्स में करना, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता हो उसको आप पैराग्राफ में कर देना। पैराग्राफ में करोगे तो आधा एक नंबर मिल सकता है, पॉइंट्स में मत करना उसको। जो आपको अच्छे से आता है उसको पक्का पॉइंट्स में करना, अच्छे अच्छे पॉइंट भी आपको 2-3 लाइन के बनाने, ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट भी नहीं बनाने। दूसरा, एथिक्स में आपको क्लोज वगैरह लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, कंपनी में सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जो कारो है उसमें क्लोज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद जीएसटी ऑडिट या टैक्स ऑडिट, इनमें क्लोज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप कंटेंट लिखो। कंटेंट भी आपको क्या लिखना है, सब चीजों को पॉइंट्स में करना है आपको, जो भी चीजें आपको आती है एग्जाम में सबको पॉइंट्स में करना है आपको। पैराग्राफ में कुछ भी नहीं करना, पैराग्राफ में उसी क्वेश्चन को करना जो आपको बिल्कुल ना है लास्ट में, बाकी आप सबको आपको पॉइंट्स में आंसर देना है। और एमसीक्यू के लिए स्पेशल आईसीआई वाले फोकस करना, बाकी किसी का भी एमसीक्यू मत पढ़ना, वो 7-8 हजार एमसीक्यू आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और वो कुछ काम के हैं भी नहीं, क्योंकि उनमें से कोई पेपर आता नहीं है। पेपर आईसीआई खुद का बनाती है, किसी ऑथर की बुक से बनाती नहीं, आईसीआई खुद की बुक फॉलो करती है, तो आपको ये चीजें देखनी है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो ऑडिट से रिलेटेड तो आप मुझसे कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं इंस्टा वगैरह पे। दूसरा, एक नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं बायो में डाल दूंगा। दूसरा, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर भी मैं बायो में डाल दूंगा। थैंक यू।